ओके वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 रे भी हमें कैरेक्टर स्टडी करथिलु। आज एक लेक्चर कैरेक्टर तुम कंप्लीट हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट गोटे प्रॉपर्टी थी कंप्लीट करके आम डायरेक्ट है पर्सन आरंभ कर दो। हाइड्राइट पढ़ा, हाइड्राइट देखा, व्हाट इज हाइड्राइट देखा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइट देखा, कौ कौ प्रोसेस हाइड्राइट या कौन कौन डीमेरिट से भी अच्छी गोटे डिस्टिंग्विश करा, तार ऑर्डर देखा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइट देखा। तो दिज आर द स्ट्रिक्ट पर्सन्स ऑफ दिस टुडे लेक्चर, क्लियर। तो फर्स्ट आम स्टार्ट करवा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा देख ऑक्सीडेशन स्टेट आम कह डिस्कशन कर हालोजन फैमिली। हालोजन फैमिली रोचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कौन रोचे आयोडीन। ये एलिमेंट मानक कौन डिस्कसन हम तुम ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कसन कर। प्रथम कथा, फ्लोरीन इज ऑलवेज शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज टू टाइप, दैट इज योर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन इज ऑलवेज शोज, ऑलवेज शोज नेगेटिव, इट नेवर शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कारण ना फ्लोरीन हैज वेरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टोटल आम सीरीज रो देखा सबुठारु अधिक होउछि फ्लोरीन, दैट इज योर 4.0। कहार ताकत नहीं 8 इलेक्ट्रोन काढ़ ये किंतु जहाँ सहित रिएक्शन कर तार इलेक्ट्रोन को पूरा टाणी का। एज इट हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी, इट हैज कैपासीटी टू एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रॉम द अदर एटम। एज इट हैज दैट कैपासीटी, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखा तो फर्स्ट पॉइंट, फ्लोरीन ऑलवेज शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन ऑलवेज शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, it is due to its very high electronegativity, it is due to its very high electronegativity, tar electronegativity bahut adhika, it means tar oxidation state always negative, clear। tar next jiba fluorine no tale ame janigele negative oxidation state, acha jiba फ्लोरीन रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हमें देखा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर के 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कौन हम 1s2, 2s2, 2p5, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल व्हिच कंटेन 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल एंड 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, सो फाइनली द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। जेहेतु एज इट कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इट शेयर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, तो ये शेयरिंग टेंडेंसी जिते शेयरिंग हम से वैलेंसी बढ़े हकी ना। तो यार शेयरिंग एबिलिटी के तुम वन जेहतु गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोच, दैट्स व्हाई इट शोज ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज माइनस 1। जेहतु ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही पारे ना, जब आउटर एम्प्टी डी ऑर्बिटल था इलेक्ट्रॉन टा एक्साइट होगा पड़े जाए, किंतु आर आउटर रे को ऑर्बिटल रोज 3s देन रोज कोन 3p देन रोज किए 4s देन रोज 3d, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइट सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, एते लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट हे परिबो नहीं। दैट मींस फ्लोरीन ऑलवेज कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एज इट कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज शोज ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स व्हाई इट शोज ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन। पहले हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसपे माइनस देखेबो, गोटे मात्र अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर डी ऑर्बिटल नहीं, इसपे केवल 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दबो, बुझियाला। सेकंड पॉइंट तन लेखो, इन आउटर सेल ऑफ फ्लोरीन कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it does not contain empty d orbital in outer shell, it does not contain empty d orbital in outer shell, hence it shows always -1 oxidation state, hence it always shows -1 oxidation state, sab bele sethi pai se -1 oxidation state hi show kare, hence it always shows -1 oxidation state, hala। ताले गोटे ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं तार डी ऑर्बिटल नहीं, आउ ओनली माइनस ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर।
बर्तमान अन्य एलिमेंट को जीवा क्लोरीन इमती तुम ब्रोमीन ये तुम आयोडीन ये एलिमेंट को कंसीडर कर दिस टाइप ऑफ एलिमेंट शोज डुअल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो ऑक्सीडेशन स्टेट आम डिस्कशन करवा दीरक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती माइनस भी दिखती प्लस भी दिखती माइनस दिए देख जो क्लोरीन ब्रोमीन सहित बॉन्डिंग कर तो क्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन टू कौन बेसी ताले क्लोरीन रो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन हम माइनस ब्रोमीन जो आयोडीन सहित बॉन्डिंग कर आयोडीन रो वर्तमान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन कम ताले ब्रोमीन कौन देख माइनस देख बट ब्रोमीन जो क्लोरीन सहित बॉन्डिंग कर क्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन नेगेटिव ताले ब्रोमीन कौन हम पॉजिटिव हाँ कि ना ताले गोटे एलिमेंट ताठू जो पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सहित बॉन्डिंग करे से आर आसीबो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जितने से एलिमेंट ताठू गोटे लोअर पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट सहित बॉन्डिंग कर तार आसीबो नेगेटिव बुझे कि ना ताठू पावरफुल आर हम पॉजिटिव ताठू लोअर हम नेगेटिव बुझे कि ना तो जेहेतु इन्हें डुअल एलिमेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग कर पारती बोथ नेगेटिव आउ कौन करती पॉजिटिव ऑक्सीडेशन चला गोटे पॉइंट लिख क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन शोज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी दौर पॉजिटिव भी दौर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तले नेक्स्ट आउट पॉइंट कर दियो व्हेन दे बॉन्डिंग विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हेन दे बॉन्डिंग विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस केस इट शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन ना इन दिस केस इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट बॉन्डिंग विथ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हेन इट बॉन्डिंग विथ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ताठू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव सहित बॉन्डिंग करिवे इन दिस केस इट शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जेते बेले लोअर हबो तेते बेले हबो तार कोन नेगेटिव जेते ताठू पावरफुल थिबो तेते बेले हबो पॉजिटिव क्लियर तो वर्तमान एमानकर ऑक्सीडेशन स्टेट आमे सब देखि क्लोरीन धरा में कंसीडर करले एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन हम दिस इज योर नियॉन 10 CH2 PP5 PD0 आउटर कंटेन एम्प्टी डी ऑर्बिटल दैट इज D0 एस ऑर्बिटल कंटेन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पी ऑर्बिटल कंटेन 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड initially each orbital contain one number of electron then presence of two electron which are paired to orbital and outer empty or outer d orbital is fully empty pura pani phanka tumar thai this is the ground state electronic configuration of chlorine eta kahar electronic configuration kua jae chlorine ro ground state electronic configuration boli kua jae clear to bartan ta ko excitation kariba first excitation ro gude electron jump karke eti padi Before oxidation, it contains one unpaired electron. Hence, it shows either minus one oxidation state or plus one oxidation state. That which is the powerful, that is plus. That which is the less powerful, that is minus. Excite, कोई वजह तले उड़े electron job करके बाहर को पड़ेगा. अरे ए जी रही बो तमरो दीटा electron रही बो. अब ए जी तमरो रही बो जेटा electron. एक दूई एक एक रही बो तमरो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कते गेला 3 हेंस इट शोज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पुनी आउटर जतला में एक्साइट करिवा एक्साइटेशन सब 3 तरे सेकंड एक्साइटेशन तो आउट इलेक्ट्रॉन जंप पर गेटी पड़ी तले वर्तमान कोन हो एट रहइबो तुम्हारे केटा इलेक्ट्रॉन दीटा एट रहइबो केटा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे गोटे आउ एट रहइबो तुम्हारे केटा आउट इलेक्ट्रॉन राइज कोला तले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कते गेला 5
তাহলে নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কত হলো 7 এন্ড সো প্লাস 7 অক্সিডেশন ওকে তাহলে গ্রাউন্ড স্টেট রে 1 আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন যেতলে আউটার র ডি অরবিটাল কো ইলেকট্রন আমি এক্সাইট করলে নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ইনক্রিজ কলা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ইনক্রিজ কলে কোভ্যালেন্সি ইনক্রিজ করিব কোভ্যালেন্সি ইনক্রিজ কলে অক্সিডেশন স্টেট বড়িব দ্যাটস ওয়াই দিস এলিমেন্ট সো মাইনাস 1 প্লাস 1 প্লাস 3 প্লাস 5 প্লাস 7 মোর দেন 1 অক্সিডেশন স্টেট এমানকর অক্সিডেশন স্টেট গোটে রু অধিক আসি প্লাস বি রইব মাইনাস বি রইব বুঝিলা ওকে লেখো তালে পয়েন্টটা লেখো বাট দিস এলিমেন্ট সোজ মোর দেন 1 অক্সিডেশন স্টেট বাট দিস এলিমেন্ট সোজ মোর দেন 1 অক্সিডেশন স্টেট দ্যাট ইজ মাইনাস 1 প্লাস 1 প্লাস 3 প্লাস 5 এন্ড প্লাস 7 minus 1 plus 1 plus 3 plus 5 and plus 7 it is due to present of empty d orbital in outer shell it is due to present of empty d orbital in outermost shell empty d orbital in outermost shell outermost shell re empty d orbital roichi jouti pai electron excite hei paruchi electron excite hela ku oxidation state konuchi increase korchi boduchi clear अच्छा तापर एटा को टोटल उठेबो पूरा उठे नबे हला किंतु प्रॉब्लम वर्तमान कोन समस्तंकर प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आसे नाही से जुडे एलिमेंट अछि ब्रोमीन ब्रोमीन डज नॉट शोज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िया क्वेश्चन टा पचरे जे ब्रोमीन डज नॉट शोज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस 5 इट नेवर शोज प्लस 7 केबे प्लस 7 सो करे नाही आरो रीजन कोन बढ़िया रो रीजन ता छि रीजन हो छि ब्रोमीन रो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जे हमें देखिबा माने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कोन आर्गन हो छि 18 3d केते तमरो 10 4s केते 2 4p केते 5 क्लियर न्यूक्लियस रहिला आउटर सेल दिस इज 4 नंबर सेल एटा जे आउटर सेल भीतर रहि गला तमरो 3d आगुरु कहारी 3d बा d ऑर्बिटल नथिला प्रथम d ऑर्बिटल तमर ब्रोमीन स्टार्ट हला क्लोरीन अछि आउटर d बट देयर इज नो इनर d बट इन केस ऑफ ब्रोमीन आउटर d भी अछि इनर d भी अछि मु इनर d कथा कहू छी आउटर d कथा कहू नै तो ब्रोमीन गोटे एलिमेंट फर्स्ट एटु तमर इनर d स्टार्ट हे गला अच्छा हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट रो ऑर्डर जान छे सब तो बेस्ट स्क्रीन के करे s ऑर्बिटल then p orbital then d orbital then f orbital this is the order of screening effect so what are more screening tomar s tapre p tapre d tapre e so f au d ro sob to kom aro karan kon it is due to its diffused shape tar shape ta bahut diffuse bahut patla to tanga screening effect ro parimana kom tan beshi ignite karanti nahi jodi screen jodi kom koribe kintu d pai center kete thore atomic number baduchi 10 time d 10 दस थर सेंटर न्यूक्लियर चार्ज पड़ुछि किंतु ये स्क्रीनिंग सेते करू नाही जदी स्क्रीन कम कला बेसी न्यूक्लियर चार्ज बढ़िला टाणीबो जोर से ना नाही बाइंड करके इलेक्ट्रॉन रखिबो ना नाही जदी बाइंड करके इलेक्ट्रॉन रखिला तले 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जंप करिया पई दबो नाही काई 4s टा क्लोज किबो ना सेही इलेक्ट्रॉन टा को जंप करिया पई दबो नाही केवल एतकी पर्यंत तमरो जंप हेई परबो ये बेले जंप हेबो ये बेले जंप हेबो ये बेले हेबो किंतु एही इलेक्ट्रॉन टा जंप हेबो नाही जेतु जंप होबो नहीं तो तार लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 रे एंड हिजबो इट डज नॉट शो प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तले रीजन जदी जने पचारे व्हाई ब्रोमीन डज नॉट शो प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तले ता आंसर लिखियो कोन इट इज ड्यू टू इट्स लो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ n माइनस 1 डी ऑर्बिटल हला लेखो तले स्टेटमेंट लेखो ब्रोमीन डज नॉट शो प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन डज नॉट शो प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट it is due to its very low screening effect of 3d orbital very low screening effect of 3d orbital tara 3d orbital lo screening effect bahut low bahut kam etme se plus 7 oxidation state show kare nahi clear अच्छा ताहले जानी गले फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज नेगेटिव इट ऑलवेज गिव ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज ड्यू टू इट डज नॉट कंटेन एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन सोज द
both negative and positive oxidation state. Again, it shows more than one oxidation state, that is 3, 5, 7 oxidation state. It is due to presence of empty d orbital in outer shell. Paper point koyli, bromine does not show a plus 7 oxidation state as it has low screening effect of 3d orbital. Clear? So, a sabu points sarila pore, last I would have a point achi, that is, tomar a element, mane chlorine, bromine, iodine, 1,3,5 oxidation state to dou chanti, ta chhada, they also giving plus 2n plus 4 oxidation state. Plus 2 or plus 4 oxidation state bhi diyanti. So, mane kaha sahita diyanti? With oxides and oxoacids. With oxides and oxoacids. And oxoacids. Oxides and oxoacids sahita jatala bonding karanti. So, mane plus 2 or plus 4 oxidation state bhi diyanti. Okay. Jemiti ka tamaro na plus 2 ne sorry. Plus 4 and plus 6 oxidation state. Jemiti ka tamaro CLO2 रो क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट के थे प्लस 4 हकी ना सेम के अच्छे तुम्हारा Cl2O7 रो ऑक्सीडेशन स्टेट के थे तुम्हारा दैट इज योर तुम्हारा एटी वाला क्लोरीन के थे 2x दैट इज वाला तुम्हारा माइनस 14 चल x इक्वल टू कितना है प्लस 14 बाय 2 दैट इज प्लस 7 एंड प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाऊं चल प्लस 4 प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दियंती को केस रे दियंती ऑक्सो एसिड आउ ऑक्साइड रे दियो चला चला एक पॉइंट ऐड करो दे आल्सो गिव प्लस 6 एंड प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 एंड प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड फॉर्म इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड फॉर्म ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड फॉर्म रे माने प्लस 4 और प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दियंत ओके नेक्स्ट जीवा में हाइड्राइड हाइड्राइड ओके अच्छा हाइड्राइड रो व्हाट इज हाइड्राइड देखो हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अच्छा हाइड्रोजन जत तुम हालोजन सहित रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन जत तुम हालोजन सहित रिएक्शन करे गुडे एचएक्स टाइप कंपाउंड फॉर्मेशन करे दैट इज कॉल्ड एज हालोजन एसिड ला बा हैलाइड्स बोली कहा जाए ओके तो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद हालोजन देन फॉर्मेशन ऑफ हालोजन एसिड ओके तो बर्तन हाइड्रोजन फ्लोरीन सहित कंबाइन हम फॉर्मेशन कौन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम हाइड्रोजन तुम क्लोरीन सहित कंबाइन हम तुम कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम हाइड्रोजन जो ब्रोमीन सहित कंबाइन कर कौन हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड एचबीआर हम हाइड्रोजन जो आयोडीन सहित बॉन्डिंग कर तुम कौन हम एचआई ठीक ना दिज आर कॉल्ड एज द हाइड्राइड्स इन को कौन कहा जाए तुम हाइड्राइड्स बोली कहा जाए हाइड्राइड्स मीन्स दिज आर एचएक्स टाइप कंपाउंड means these are bonding these are formed by bonding with halogen and hydrogen clear so a way compound acha it is combine kar de ki eta de gele akar reactivity bhi different rahibo fluorine shows very high reactivity itti high reactivity je it will even reacts with hydrogen in dark condition andhar ra light ra ta ko control kari paribo itti strong reaction karibo jet city reaction hoibo तो इवन ना को जदि डार्क मीडियम रो भी छाड़ दबो त हाइड्रोजन फ्लोरीन सहित कंबाइन कर फ्लोरीन हाइड्रोजन सहित कंबाइन कर कि कोन दबो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर्मेशन करबो इट इज ड्यू टू इट्स वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन तापर हम जीबा क्लोरीन को क्लोरीन रो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हुए कमे तले क्लोरीन रो रिएक्टिविटी कम इन कंपेयर टू फ्लोरीन से तो ये अंधार रे रिएक्शन करि परबो आर टिके हीट दरकार एनर्जी दरकार दैट्स व्हाई इट रिस्पोंड इन लाइट ये लाइट रे ही रिएक्शन करिवो तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एमते ब्रोमीन रो जदी हमें कंसीडर करिबा ब्रोमीन रो रिएक्टिविटी अगेन हरी कोन हिजी डिक्रीज करिजी जे तो ब्रोमीन रो रिएक्टिविटी हरी कमी हिजी तनो लाइट सफिशिएंट नुए से रिएक्शन पई का पई कोन दरकार लाइट तो दरकार दरकार सेठी उत्ताप दक पडियो गरम करियाक पडियो हीट और हीट कले देकी तांका भीतर रिएक्शन हो
सेमिति आयोडीन रिएक्टिविटी आहुरी कमी गला एडी हीट इज नॉट सफिशिएंट खाली गरम कर देले रिएक्शन हिज बनी लाइट देते नहीं जीवनी रिएक्शन गरम करिया के पड़िबो लाइट दबा के पड़िबो इवन तुमको कैटालिस्ट भी यूज करिया के पड़िबो और दैट रिएक्शन करस्पोंड एक्सप्लेन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट बुझियला ताले हाइड्रोजन कंबाइन विद हैलोजन टू गिव हैलोजन एसिड दीज आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स देखो ताले पॉइंट ताले व्हेन हैलोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन देन फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन एसिड then formation of halogen acid then formation of halogen acid okay tap next point likho fluorine shows very high reactivity fluorine shows very high reactivity that's why it reacts with hydrogen in dark medium that's why it reacts with hydrogen in dark medium next out of point chlorine combine with hydrogen in light chlorine combine with hydrogen in light next point bromine reacts with hydrogen in presence of light and heat in presence of light and heat next point iodine reacts with hydrogen in presence of suitable catalyst acha bartan jiba preparation of halogen acid ba hydride for preparation ame dekhiba okay so first preparation ame jiba दुटा कैटेगरी करवा गोटे कैटेगरी रखा प्रिपेरेशन अफ तुम एच एफ एस सी एल रखा आउ गए कैटेगरी कर प्रिपेरेशन अफ एच बी आर एंड एच आई ओके फर्स्ट हेडिंग करो प्रिपेरेशन अफ एच एफ एंड एच सी एल प्रिपेरेशन अफ एच एफ एंड एच सी एल एच एफ एंड एच सी एल ओके देख एच एफ आउ एच सी एल को प्रिपेरेशन केमती करवा फर्स्ट रिएक्शन करते थरो CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड सहित मु रिएक्शन करली सल्फ्यूरिक एसिड सहित H2SO4 आ ओ तुमको हीट भी ताको करली करेस्पोंडिंग फ्लोराइड सॉल्ट गुटे मिला कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट सहित रिएक्शन कराला सल्फ्यूरिक एसिड तो कैल्शियम तमर सल्फेट सहित रिएक्शन करिवो तो फॉर्मेशन कोन होबो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 H तमर फ्लोरीन सहित कंबाइन करिवो फॉर्मेशन होबो 2HF ताले कैल्शियम फ्लोराइड जितने सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन है फॉर्मेशन है कौन हाइड्रोजन फ्लोराइड सेमितिका आम गोटे नहीं तुम धर सोडियम क्लोराइड नेली NaCl नेली रिएक्शन कली सल्फ्यूरिक एसिड HPSO4 सहित रिएक्शन कली ताले कौन हम गोटे एच गोटे HCl कौन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गला आ गए कौन हम तुम सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 अग्ना सेमती धर ने टू मोल्स अफ सोडियम क्लोराइड ने NaCl दुटा ने H2SO4 देदेव अब हीट भी कर देले स्ट्रांग हीट ताले कोन हो 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस कोन हो Na2SO4 ताले इ कोन जानिलो ना करेस्पोंडिंग फ्लोराइड आउ क्लोराइड सॉल्ट जतले सल्फ्यूरिक एसिड सहित हम ट्रीटमेंट करिबा बा जे कोनो से मिनरल एसिड सहित हम ट्रीटमेंट करिबा ताले फॉर्मेशन हो तुम हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ओके लेखो ताले स्टेटमेंट लेखो when respective fluoride and chloride treated with sulfuric acid or other mineral acid then it gives HF and HCl then it gives HF and HCl write down the equation okay bartaman preparation heading kara preparation of HBr and HI preparation of HBr and HI HBr au HI ra preparation name bartaman likhi preparation of HBr and HI first point kahuchi se By using this same method,
जे प्रीवियस मेथड जो थरे हमें HF और HCl प्रिपरेशन करले सेम मेथड को यूज करकी वी कैन नॉट प्रिपेयर HBr ने HCl HI HBr और HI को से प्रोसेस रे यूज करके हमें प्रिपरेशन करि परिबु नाही आर रीजन कोन ना रीजन होउची देखो प्रॉब्लम कोन होउची धर लेट मुनेली सोडियम ब्रोमाइड NaBr रिएक्शन करली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सहित रिएक्शन करली तले फॉर्मेशन कोन हला तमरो फॉर्मेशन होबो तमरो कोन Na NaHSO4 हिजबो आ गोटे HBr सहित मिसि जिवो कोन होबो तमरो हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr सेमिति जदि मु नेबी तमरो NaI सोडियम आयोडाइड नेबी सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करे तले कोन फॉर्मेशन होबो तमरो NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस होबो तमरो हाइड्रोजन आयोडाइड HI हला हबोनी काई के कहुतला एही तो गला बट ए जे जिनसोटा थियरी हला ना आर स्टेबिलिटी मैक्सिमम स्टेबिलिटी नाही आर रीजन कोन ना देखो हाइड्रोजन रहला तमरो स्मॉल साइज आयोडीन रहला तमरो लार्ज साइज गुटे स्मॉल साइज आउट अ लार्ज साइज भीतर के भी इफेक्टिव ओवरलैप हे परिबो की ता माने इफेक्टिव ओवरलैप का भीतर होबो नाही आको भीतर जो बॉन्ड ता थियो दैट इज अ वीक बॉन्ड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत इजीली ब्रेक करिबो टिके हिट करले बॉन्ड ता ब्रेक कर जे भांगि जे ड्यू टू मोर साइज डिफरेंस ता ड्यू टू मोर साइज डिफरेंस द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एंड द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज वेरी लो That's why on strong heating that will be decomposed. That means in other case रहा हमें कोई पर आते हैं such reducing character तंग वितरे reducing nature अच्छी जो दे reducing nature अच्छी आउ इतिहास में use करते sulfuric acid that is a good oxidizing agent तो sulfuric acid रहेला oxidizing agent और Mn है ला reducing agent तो reducing agent आउ oxidizing agent वितरे उन्हीं आउट में again reaction है जी वो तो मैंने reaction ना करी कि रोही परी बनी तो further तंग वितरे reaction है तो रिएक्शन हेले केमती होबो देखो ना तमर H2SO4 टा गुडे ऑक्सिडाइजिंग एजेंट केमती का ना ये ब्रेक जतले करे एटी वाटर ब्रेक बाहरे प्लस कोन बारीबो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस मेथेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दुईटा गुटे वो नै कि वाटर हे गला सल्फर डाइऑक्साइड भरी गला ऑक्सीजन तीनटा हला गुटे ऑक्सीजन मेथेन ऑक्सीजन ए जे मेथेन ऑक्सीजन बाहरीला इट हैज पोटेंशियल टू ऑक्सिडाइज और ऑक्सीडेशन रो नेचर रहउची पावर अछि पोटेंशियल अछि ऑक्सिडाइज करी पारिबो ना तो ये ताले ऑक्सीडाइज करी परिबो ये रिड्यूसिंग हबो ये दबा पई चाहूची ये नबा पई चाहूची तो ताको भीतर रिएक्शन हि जइबो तो रिएक्शन हे गेले कोन हबो 2 मोल्स ऑफ HI रिएक्शन कला नेसेंट ऑक्सीजन सहित तो HO पुनी के पळेबो वाटर हि जइबो I दिटा मिसि के तमरो I2 हि हम जदि HBr नबा त 2 मोल्स ऑफ HBi नेसेंट ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिबो वाटर भरिबो प्लस कोन भरिबो बी ना तले से माने HCl और HBr फॉर्म रे बनी दे विल बी कन्वर्ट इनटू Br2 एंड I2 फॉर्म रे कन्वर्ट हे जे तो Br2 और I2 फॉर्म रे कन्वर्ट हे जाउ चंती तले हम HBr होई छै किमि पाइबा पाई परिबा हैला तो लेखो तले फर्स्ट पॉइंट लेखो HBr and HI कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय यूजिंग H2SO4 because it is a good oxidizing agent which oxidize HI and HBr bracket re likho Suppose reducing nature, bracket with this. Ye, HBr or HI. Suppose reducing nature, bracket close. And convert into Br2 and I2 form. Pura total H2 the dobo. Aage ithe HBr ta carry kareli, tabre HI ta carry kareli, H2SO4 bhangi ki. नेसेंट ऑक्सीजन गला नेसेंट ऑक्सीजन आइदर आको ऑक्सीडाइज करि परिबो बा आको ऑक्सीडाइज करि परिबो जदि ऑक्सीडाइज करिबो ये आई2 रे कन्वर्ट हिजबो ये जदि ऑक्सीडाइज होबो Br2 रे कन्वर्ट हिजबो आ HBr ओ HI रहइबो नाही क्लियर हे गला तो ये थिले तमरो प्रिपरेशन ऑफ HBr एंड HI से माने से फॉर्म रे रहइबे नाही कन्वर्ट हिजबे तो वर्तमान हम HBr ओ HI तयारी तले केमती करबा ए तो प्रिपेयर हि पालानी तो प्रॉब्लम कौन है ला ना प्रॉब्लम हो ची
एमानको भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर आउ जहां नहीं चाहे सी है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रिड्यूसिंग सहित ऑक्सीडाइजिंग रहइबो माने रिएक्शन ऑब्वियसली हो मुझे जो रिड्यूसिंग एजेंट सहित रिड्यूसिंग एजेंट दे दिए तो दीज सारा सेम टाइप हो जाए तो सेम टाइप भितर रिएक्शन हम ना तो रिएक्शन से एंड हो तो से केस तुम एच बी आर एच आई को चेरी बरी पार तले इन प्लेस ऑफ H2SO4 जोडे H2SO4 आमे यूज करूथले से जगह रे आमे जदी H3PO4 यूज करिबा इट हैज रिड्यूसिंग पावर जदी आरो रिड्यूसिंग नेचर रहूची ताले ये आउ ताको ऑक्सिडाइज करिवो नाही तले कोन होबो ताले देखो ताले रिएक्शन करिबा आमे कहा सहित NaBr नबा सोडियम ब्रोमाइड नबा सोडियम ब्रोमाइड NaBr सहित रिएक्शन करली मु कहा को H3PO4 को रिएक्शन करली ताले एटा थीमोल नै नेली ताले कोन होबो तमरो 3टा एच 3टा बीआर सहित मिसिबो ताले कोन होबो 3 एच बीआर प्रोडक्ट हे गेला ताले बाकी रहला 3टा NaPO4 कोन हिजो तमरो Na3PO4 सोडियम फास्फेट हे गेला Na3PO4 ओके तो सेम दिला एच आई जदि नै नबा ताले एन ए आई नबा जदि 3 एन ए आई रिएक्शन करली H3PO4 सहित ट्रीटमेंट हे कि प्रोडक्ट कोन हला ताले CHI प्लस है गला तुम्हारा NaCO हला ए कथा ले HBr एंड HI HBr एंड HI HBr एंड HI कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग ए सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ओके एग्जांपल दी ओके नेक्स्ट जीवा ताले तापर जीवा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड लख फिजिकल प्रॉपर्टी of hydride physical property of hydride hydride ro physical property ame dekhiwa bartaman physical hydride ro property ro dekhiwa first except hydrogen fluoride or all other halogen acids hydrogen fluoride HF ये हे गला तुमरो डेल्टा नेगेटिव ये हे गला तुमरो डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव ये हे गला डेल्टा पॉजिटिव ये गला डेल्टा नेगेटिव ये गला डेल्टा पॉजिटिव आ गतरे अट्रैक्शन ये बॉन्ड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड हला जे ताको भितरे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होउची दैट्स व्हाई से माने कोन जे लिक्विड इन नेचर बट जदि तुमरो हाइड्रोजन क्लोराइड एका नबो HCl आउडे HCl नबो आका दुजन को भीतर तमरो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ही होबो नाही इट पॉइंट से माने लग जाय देखो तला आउडे पॉइंट लिखो HF इज लिक्विड फेर इज अदर हैलोजन एसिड्स आर गैस इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ hydrogen bond between H and F whereas hydrogen bond is not possible in case of HCl, HBr and HI. Whereas hydrogen bond does not possible in case of HCl, HBr and HI. Okay,
এটা উঠে নেবা। আচ্ছা নেক্সট বুঝবা আমি, নেক্সট যিবা, নেক্সট লেখো স্টেবিলিটি, স্টেবিলিটি এইচ এফ এইচ সি এল এইচ বি আর এইচ আই এমানকৰ আমি দেখিবা বৰ্তমান স্টেবিলিটি, থার্মাল স্টেবিলিটি মানে বহুত সারা এনার্জি দরকার হতো সে বন্ডকে ভাঙিয়া পাই। দেখ সিম্পল রিজন, হাইড্রোজেন স্মল সাইজ, ক্লোরিন বি স্মল সাইজ, হাইড্রোজেন সাইজ তো কনস্ট্যান্ট রইলা, ক্লোরিন র সাইজ বড়িলা, পুনি সাইজ রইলা হাইড্রোজেন র, ব্রোমিন র সাইজ বড়িলা, হাইড্রোজেন রইলা আয়োডিন র সাইজ বড়িলা। কোন দেখুছ না তলকু তলকু গলাকু হালোজেন র সাইজটা কোন হচ্ছে বড়ুছে, যেতে সাইজ বড়িব আক ভিতরে ওভারল্যাপিংটা সেতে ইফেক্টিভ হব না, যদি দুজনের ভিতরে ওভারল্যাপিংটা ইফেক্টিভ হওনি দ্যাট মিন্স তাঁর ভিতরে গোটে উইক বন্ড ফর্মেশন হচ্ছে। যদি সেম সাইজ থাকে, সেম সাইজ মানে বেশি সাইজের ডিফারেন্স ন আসে তাহলে আঁক ভিতরে ওভারল্যাপিংটা স্ট্রং, স্ট্রং ওভারল্যাপিং কু ভাঙ্গিয়া বেশি এনার্জি দরকার, দিস ওয়াজ ভেরি হাই বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি, যদি বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি বেশি দ্যাট মিন্স তাঁর স্টেবিলিটি বি বেশি, বুঝি গেল। তাহলে এইচএফ র থার্মাল স্টেবিলিটি সবুঠু ম্যাক্সিমাম, দেন এইচসিএল, দেন এইচবিআর, দেন এইচআই, ইট ইজ ডিউ টু ইটস লো সাইজ ডিফেন্স, শোজ ইফেক্টিভ স্ট্রং ওভারল্যাপিং বিটুইন টু অ্যাটম, ক্লিয়ার। দেখো তাহলে থার্মাল স্টেবিলিটি অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড, থার্মাল স্টেবিলিটি অফ হ্যালোজেন অ্যাসিড ডিসাইড decide on the basis of overlapping between two atoms, overlapping between two atoms dita atom ra overlapping decide kore, okay. Next point lekho, in between hydrogen and fluorine There is low size difference. Hence, it shows strong overlapping between two atoms. which increase its bond dissociation energy. That's why its thermal stability also increases. Hence, the order of thermal stability is, this is the order of thermal stability, HF is greater than, HCl greater than, HBr greater than, HCl. Okay. Next, move kariwa ame acidic strength. Heading karo acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा एसिड माने कौन, जे एच प्लस आयन टे डोनेट करिवो ताको एसिड कहजा, सिंपल कांसेप्ट जो जानि जीवा भितरु केते न पसिबा, एच प्लस आयन जे डोनेट करे ताको एसिड बोली कोहा जाय, हाइड्राइड को जेतु पडु छैटी तले से एच प्लस डोनेशन उपरे ही तार एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड होबो, तले एच प्लस आयन जे क्विकली दबो तार एसिडिक कैरेक्टर बेसी होबो, जे एच प्लस आयन क्विकली दबोनी तार एसिडिक कैरेक्टर कोन होबो कम, तो एच प्लस आयन दबा पई মতে এই এইচ এক্স বন্ড কু তো আগে ভাঙ্গিবাকে পড়িব, এ বন্ড ভাঙ্গিলে তো এইটু তোমার এইচ প্লাস আয়ন বাহিব, তা মানে সিম্পল সেইটি ঘুরি ঘুরি আমি সেই কনসেপ্টরে পড়িগলে, যাহার বন্ড ডিসোসিয়েসন এনার্জি কম তার এসিড ক্যারেক্টর বেশি, যাহার বন্ড ডিসোসিয়েসন এনার্জি বেশি বন্ড কু ভাঙ্গিবা পাই বেশি এনার্জি দরকার তার এইচ প্লাস ভারিবনি এসিড ক্যারেক্টর কম আছে, বন্ড ডিসোসিয়েসন এনার্জির অর্ডার তো মু বর্তমান কইকি আসি, কোন কইতিলি বন্ড ডিসোসিয়েসন এনার্জি কার বেশি HF তারপরে CL তারপরে কোন HBr তারপরে কোন কইতিলি HI, তাহলে HI র সবুঠু কম বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি, তাহলে বন্ড শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিব, যদি শীঘ্র ভাঙ্গিব H+ বি শীঘ্র ভাঙ্গিব দ্যাট মিন্স তার এসিড ক্যারেক্টর কোন হবো বড়িব, বুঝি গেল। তাহলে কথা তাহলে পয়েন্ট আউটে
তাহলে অর্ডার অফ অ্যাসিডিক রেটর কোন রিভার্স হয়ে যাব তাহলে এইচআই র সবটু বেশি তারপরে রইব এইচবিআর তারপরে রইব এইচসিএল তারপরে রইব এইচএফ দিস ইজ দা অর্ডার অফ অ্যাসিডিক রেটর লেখো তাহলে পয়েন্টটা লেখো দা অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ অফ হাইড্রাইড দা অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ অফ হাইড্রাইড ডিপেন্ড অন বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি depend on bond dissociation energy bond dissociation energy low bond dissociation energy shows very high acidic character hence The order of bond dissociation energy is HI greater than HBr greater than HCl greater than HF. Okay. So, yaku bhalse note karibo. Apra next class le aure kichhi ar property achi. The property ko ame complete kariba. Apra next aure section ko jiba. That's all.